खबरों में बहुत कुछ कहा और अनकहा रह जाता है और इसके बीच में कई परतें होती हैं। इन परतों को एनालाइज कर हम आपके लिए लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। हर चुनाव में राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने आप को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और उनका जो गंतव्य होता है, जो वो करना चाहते हैं, जो अभिलाषा होती है, उसे सामने रखते हैं। यानी कि 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले भी कांग्रेस पार्टी ने साफ किया है कि उनका गंतव्य क्या है, उनके हिसाब से भारत की परिकल्पना क्या है। कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय और 25 गारंटी की घोषणा की है। अब इसमें से कितना सही और कितना गलत होगा, ये तो हम आपको वक्त के साथ समझाएंगे। लेकिन हम आपके सामने आज बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो कुछ कहा गया उसका मतलब क्या है, और दरअसल मैनिफेस्टो में जो कहा गया उस पर ध्यान ज्यादा है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम योजनाओं की मुखालफत करना या उसको नीचे दिखाना सबसे बड़ा मकसद था। आज की दूसरी बड़ी खबर जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और बात करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में जिस तरीके से आज मथुरा के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है और इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद एक संवैधानिक पद पर होने के बाद भी अपने फहरिस्त में सबसे आगे रखा है, क्या ये उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा के चुनाव की झांकी है, इस पर करेंगे चर्चा। फिर बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की। 25 सीटें हैं पूर्वोत्तर राज्यों में लोकसभा की। लुक ईस्ट पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की 2014 के बाद से रही, 2024 में लुक ईस्ट पॉलिसी कहां पहुंची, इसका आकलन आपके सामने करेंगे। और फिर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आज ऐसे तमाम तंत्र हैं जिसके जरिए आपके पास खबरें मिलती हैं। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स से जो खबरें आप तक पहुंचती हैं उनकी सत्यता कितनी है, और उससे भी बड़ी बात, क्या ये जो खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अलग अलग लोगों के द्वारा, क्या ये खबरें निष्पक्ष होती हैं या दरअसल ये खबरें पेड हैं। पेड न्यूज आप जानते हैं ना, तो क्या ये पेड न्यूज है, इसकी परतें खोलेंगे आपके सामने, इसकी सच्चाई का पर्दाफाश आपके सामने करेंगे। आइए आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो की। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का इंतजार आज देश को था क्योंकि कांग्रेस एक अल्टरनेटिव नैरेटिव क्या लेकर सामने आती है। भारतीय जनता पार्टी का बीते 10 साल से जो नैरेटिव है वो हम सब के सामने है। भारतीय जनता पार्टी विकास, समुचित विकास, समावेशी विकास, हर तरह के विकास पर जोर दे रही है। कांग्रेस पार्टी के पास भारत के लिए क्या नारा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना नारा देने से पहले मोदी के ऊपर आक्षेप करने से नहीं चुकी। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूरे मैनिफेस्टो के बारे में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे पानी पी पी कर कोसा गया जैसा लग रहा था कि यह मैनिफेस्टो नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गलतियों का पुलिंदा सामने रखा जा रहा है। सबसे पहले देखिए राहुल गांधी जी ने क्या कहा। चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। कितना आसान होता है ना किसी के बारे में कुछ भी कह देना या किसी पक्ष के बारे में कोई भी राय बना देना। यह कह देना कि लोकतंत्र का गला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके अगुवाई की सरकार बीते 10 सालों से घोट रही है और इंडिया अलायंस लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार है, कितना आसान है। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल यहां आपके सामने रखकर आगे बढ़ता हूं। अगर आज भारत में लोकतंत्र नहीं है तो विपक्ष की तमाम बातें, उनके तमाम आरोप सार्वजनिक तौर पर कैसे जनता के बीच पहुंच रहे हैं। हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज आपको कांग्रेस के मैनिफेस्टो की चर्चा दिख रही होगी। हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो टीवी हो, अखबार पर आप देखेंगे, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। अगर आज देश में लोकतंत्र नहीं है
तो विपक्ष की आवाज इतनी मजबूती से जनता तक कैसे पहुंच रही है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिसाल तो यही होती है। आइए अब शुरू करते हैं इस पर पूरी चर्चा। बीते 10 सालों से सरकार से बाहर है, केंद्र सरकार से बाहर है कांग्रेस पार्टी। 2004 से लेकर 2014 तक 10 सालों तक मनमोहन सिंह की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार चलाई थी, और उस वक्त भी जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था 2004 में जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था 2009 में, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कहीं नहीं कहा था कि जो कहा वो करके दिखाया। ये बात अलग है कि 2024 के अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि उन्होंने जब भी जो जो कहा उसे पूरा किया। क्या ये अपने आप में सही है? खैर, इसका आकलन आपके सामने। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय की बात कही है, और 25 गारंटी जो कि इन 5 न्याय से निकल कर आती है ये जनता के सामने प्रस्तुत किया है। उनका ये विजन है कि इन 5 न्याय के जरिए वो पूरे देश को बदल कर रख देंगे, और इसके लिए आवश्यक है कि देश की जनता उन्हें चुनकर सत्ता सौंपे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए को पछाड़कर बाहर निकाल दे। तो अब जरा देखिए, सबसे पहले कि आज जब मैनिफेस्टो की घोषणा होनी थी उसी दिन कांग्रेस पार्टी ने देश के और खास करके दिल्ली के तमाम अखबारों में क्या इश्तेहार सामने रखा था। इश्तेहार अभी आपके सामने है। मित्रों, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लूंगा, एक एक को जुमला पार्टी में भर लूंगा। आप समझ जाइए इसका क्या मतलब है। जाहिर सी बात है, मैनिफेस्टो के दिन हर कोई अपनी बात करता है, अपने विजन, अपने नैरेटिव की बात करता है, लेकिन यहां पर तो नेगेटिविटी से ही शुरुआत है। नकारात्मक सोच इतनी जबरदस्त है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन कहा जा रहा है। जो भी नेता जो कांग्रेस छोड़कर या अन्य दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिन पर तरह तरह के आरोप लगे थे, वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। यानी कि उसके पहले जब वो कांग्रेस में थे या फिर किसी और दल में थे तब वो दागी थे। ऐसे दागी लोगों को कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों ने अपने पास क्यों रखा था? और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर साफ सुथरे हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कानूनन हो रहे होंगे, कोई और रास्ता तो है नहीं किसी को साफ सुथरा या क्लीन चिट देने का। तो ऐसे में क्या कानून गलत है? क्या उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है? यह अपने आप में सोचने वाली बात है। आने वाले 5 सालों का रोडमैप क्या है? कांग्रेस पार्टी कहती है कि अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सभी सेक्टर के ब्लूप्रिंट लेकर तैयार बैठी है, लेकिन कांग्रेस ने घोषणा पत्र में इन सभी बातों पर जिक्र ना के बराबर किया है। आश्वासन बहुत है। घोषणा पत्र की जो प्रमुख बातें हैं वो अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। सबसे पहले सुरक्षा को लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की नियुक्ति के जो प्रक्रिया है उसको संस्थागत किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार के समय CDS की नियुक्ति पहली बार देश में हुई है। इसकी प्रस्तावना सबसे पहले वाजपेयी सरकार के समय हुई थी। 10 साल तक जब मनमोहन सिंह की सरकार थी CDS की नियुक्ति नहीं हुई, मोदी सरकार ने CDS की नियुक्ति की, तो अब इसे संस्थागत करने की आवश्यकता क्या है? ये तो पहले से स्थापित हो चुका है, प्रक्रिया तय है। उसके बाद अग्निवीर की योजना मोदी सरकार लेकर आई। इसके विरोध में कांग्रेस का मैनिफेस्टो यह कहता है कि अग्निवीर योजना को पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि इसे लेकर कई तरह के विरोध सामने आते रहे हैं, लेकिन अगर एक कोई नीति है तो उसमें सुधार की गुंजाइश होती है, या उसे एक नए परिप्रेक्ष्य में रखने की आवश्यकता होती है, या पूरी की पूरी नीति को डंप कर दिया जाए और कुछ नया लाया जाएगा। क्या नया लाया जाएगा इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, यानी कि आगे का विजन क्या है कहीं कोई चर्चा नहीं है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार ने 370 को निष्क्रिय किया, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का एक दर्जा दिया, लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया, और इसके आधार पर वहां पर राजनीतिक स्थिरता कायम करने की कोशिश की। जबरदस्त विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने 2019 से लेकर आज तक कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। धारा 370 को निष्क्रिय किए जाना अपने आप में गलत है, पूरी घाटी में, पूरी कश्मीर घाटी में इससे गलत संदेश जाएगा। लेकिन आज अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो यूनियन टेरिटरी बने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाएंगे, और धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने पर चुप्पी साध रखी है। यानी कि आप मानते हैं कि धारा 370 का निष्क्रिय किए जाना अपने आप में सही कदम था? अगर ऐसा है तो फिर अभी तक आप विरोध किस बात का कर रहे थे? मोदी सरकार लगातार 2014 से यह कहती आई है कि अगर हम अपने देश में, केंद्र में, राज्यों में, उसके साथ साथ स्थानीय इकाइयों में, पंचायतों में चुनाव करते रहेंगे तो पूरे देश में हर समय चुनाव होता रहेगा,
हमें तय करना चाहिए कि हमारे देश में एक बार में चुनाव हो, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो, चाहे राज्यों का हो, और उसके बाद स्थानीय निकाय के चुनाव अलग से किए जा सकते हैं। इस बाबत एक कमेटी भी बनाई गई जो कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई। इस कमेटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट सामने रखी है और एक तय पाया गया जिसमें तमाम लोगों की राय भी शामिल है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इसे खारिज किया। इस बार के मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा, हम वन नेशन वन इलेक्शन लागू नहीं होने देंगे। यानी कि कहीं कोई सोच है ही नहीं इस बारे में कि अगर आप इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या सही है क्या गलत है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। याद करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि देश में आजादी मिलने के बाद शुरू के तीन चुनावों तक, यानी कि 1952 के बाद से लगातार तीन चुनाव तक, जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, वन नेशन वन इलेक्शन था। 1967 में पहला मौका था जब तमिलनाडु की सरकार गिरी और उसके बाद अलग तरीके से चुनाव शुरू हुए और फिर राज्यों के चुनाव की श्रृंखला गड़बड़ा गई। तो क्या उस समय देश गलत चल रहा था? कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ईवीएम से चुनाव होते हैं, इसके लिए वीवीपैट का मिलान 100% किया जाएगा। चलिए बिल्कुल सही बात है, तो क्या आप ईवीएम के पूरे चुनाव को गलत मानते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर 2004 और 2009 में जब यूपीए की सरकार बनी थी तो क्या ईवीएम सही चल रहा था या उस वक्त भी गड़बड़ थी? उसके बाद एक और बड़ी बात कही गई है, कहा गया है कि मीडिया की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को पूरे तरीके से बहाल रखने में कांग्रेस सक्रिय भूमिका निभाएगा। अब मैं पूछना चाहता हूं तमाम गणमान्य व्यक्तियों से, अगर मीडिया आजाद नहीं है तो अपनी बातों को कहां कह रहा है? आपकी बातें यानी कि विपक्ष की बातें कैसे जनता तक पहुंच रही है? कौन सा ऐसा टीवी चैनल है, कौन सा ऐसा अखबार है, कौन सा ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया नहीं जाता, उसके बारे में चर्चा नहीं होती, जहां लाल प्रसाद यादव और तमाम अन्य विपक्ष के नेताओं की बातें सामने नहीं आती? तो क्या इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो तमाम लोग जो अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं और जो एक तरफा अपनी दलील देते रहते हैं वो क्या कर रहे हैं? साफ है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जिस तरीके से चीजों को रखने की कोशिश कर रही है वो घोषणा पत्र कम, वो भविष्य की परिकल्पना से कम, मोदी सरकार के नकारात्मक पहलुओं को सामने रखने की एक बहुत बड़ी फहरिस्त दिखाई देती है। 45 पन्नों का यह पूरा का पूरा घोषणा पत्र है जो कि कांग्रेस ने जारी किया है। अब आइए इसमें जो पांच न्याय की बात करते हैं उसकी भी जरा परतें आपके सामने खोलते हैं। किसानों के बारे में घोषणा यह किया गया है कि स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आपको ध्यान से जरा देखिएगा, 2010 में यूपीए की सरकार थी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट सामने रखी गई थी, उस पर लगातार चर्चा हुई, मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे लागू करना मुनासिब नहीं समझा। तो ऐसा क्या बदल गया 2010 और 2024 के बीच में कि जिस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को यूपीए की सरकार ने नकारा था, जिस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को अभी तक लागू नहीं किया गया है, वो अचानक अब कांग्रेस लागू करना चाहती है? क्या वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट अपने आप में सही हो गई है? इस सवाल का जवाब कांग्रेस ने आज तक किसी के सामने नहीं रखा है। 2025 तक महिलाओं के लिए विधानसभा में एक तिहाई आरक्षण की बात कही गई है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में एक तिहाई महिलाओं को टिकट दिया है? और अगर नहीं दिया है तो जो आप कहते हैं उसे पूरा करने में आप इतने पिछड़ते क्यों हैं? भाई हिम्मत है तो 2024 के चुनाव में आपने 200 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा की है तो उसमें से एक तिहाई कम से कम 66 या 67 महिलाएं तो होनी चाहिए। क्या इतनी महिलाएं हैं उम्मीदवार के तौर पर? और अगर नहीं है तो फिर ये दोहरापन क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं के लिए बात करते रहते हैं और कहते हैं कि ये भारत की तीसरी बड़ी जाति है जिसे हमें आगे बढ़कर सही करना चाहिए। इनके साथ जो हो रहा है उस दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए बहुत सारे वायदे किए हैं। सबसे बड़ा वायदा उनका है नौकरी देंगे, और नौकरी देने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास रास्ता क्या है? कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी। ये नौकरियां कहां से आएंगी साहब? ये नौकरियां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में रिक्त पदों को भरकर पूरी की जाएंगी। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि जब यूपीए सरकार के समय केंद्र और राज्य सरकारों में तकरीबन 12 लाख वैकेंसी थी, आज से 10 साल पहले 12 लाख वैकेंसी उस समय थी, वो वैकेंसी उस समय क्यों थी?
यूपीए सरकार ने उस वक्त इन वैकेंसी को खाली क्यों रखा, लोगों को नौकरियों पर क्यों नहीं रखा था? 10 साल का शासन था, रोजगार देने का उस समय भी उतना ही बड़ा बीड़ा कांग्रेस ने उठाया था जितना बड़ा आज उठाया है। तो फिर अचानक से ये 30 लाख रोजगार केंद्र और राज्य सरकारों के दम पर कहां से आ रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल, एक तरफ तो यह कहा जाता है कि केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज को समेटकर प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहिए और सरकार को बहुत चीजों में दखल नहीं देना चाहिए। जब सरकार बहुत चीजों में दखल नहीं देगी तो सरकार का काम कम होगा, सरकारी नौकरियां कम होगी। ऐसे में इसकी कोशिश सबसे पहले कहां से शुरू हुई? इसकी कोशिश नरसिंह राव सरकार में सबसे पहले शुरू हुई और वहीं से लगातार इस पर जोर दिया गया। नरसिंह राव की सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। तो फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सरकार के अधिकार को कम करने की, सरकार के द्वारा नौकरी दिए जाने को कम करने की बैरोकारी की, दूसरी तरफ आप सरकारी नौकरियों पर ही आधारित हैं, आश्रित हैं। यानी कि आप जो कह रहे हैं वो एक्चुअली कह नहीं रहे हैं, आपके पास कोई विजन ही नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि हम गांव के लोगों के लिए मनरेगा लेकर आएंगे और उनके लिए प्रतिदिन का रोजगार 400 रुपए करना चाहते हैं ताकि प्रतिदिन वो 400 रुपए कमा सकें। बिल्कुल सही बात है साहब, रोजगार जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है बिल्कुल सही है, आगे बढ़ना चाहिए, ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। लेकिन जरा ये तो बता दीजिए कि मनरेगा का पूरा इस्तेमाल क्या हो पा रहा है? आज भी जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत कुछ स्पष्ट तरीके से सामने रख रहे हैं। इसके साथ साथ अब मैं एक और सत्य आपके सामने रखना चाहता हूं। 2019 का घोषणा पत्र कांग्रेस का उठाइए, 2024 का कांग्रेस का घोषणा पत्र उठाइए, दोनों का कंपैरिजन कीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि जो बातें 2019 में कही गई वही बातें 2024 में दोहराई जा रही हैं। चलिए हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 2020 तक खाली सभी पदों को भरने का वायदा किया गया है, यही बातें 2019 में भी कही गई थी। किसानों की कर्ज माफी का वायदा किया गया था 2019 में और कहा गया था कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट शब्दशः लागू की जाएगी, यही बात 2024 में ही कही जा रही है। मनरेगा 3.0 की शुरुआत की जाएगी और मजदूरी बढ़ाई जाएगी, यही बात 2024 में। मनरेगा 3.0 लागू करेंगे, 400 रुपए मजदूरी देंगे। गरीब परिवार को 72,000 रुपए सालाना देने का वायदा किया गया था 2019 में, इस रकम को बढ़ाकर अब महिलाओं को, घर की सबसे बुजुर्ग महिला को 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा, यह वायदा किया जा रहा है। जरा बताइए, मतलब इसे क्या कहा जाए? सिर्फ लेबल बदल देने से क्या बोतल बदल जाता है? कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है, क्या सोचती है कि देश की जनता इस बात को नहीं समझती कि जो आप कहते हैं उस कहने को अमली जामा आप कैसे पहनाएंगे? 2019 से लेकर 2024 तक के बीच में कांग्रेस पार्टी ने विरोध के इतने स्वर बुलंद किए, लेकिन एक नैरेटिव आज देश के सामने कांग्रेस पार्टी रखने को तैयार नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव से जरा सा भी अलग हो। साहब कुछ तो नया लेकर आइए, कोई तो उम्मीद जगाइए, कहीं तो अलग जगाइए ताकि विपक्ष की बातों पर जनता को यकीन हो और जनता विपक्ष की तरफ आकर्षित हो। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो इसमें गलती किसकी है, आपकी, सत्ता पक्ष की, या उस जनता की जो सत्ता पक्ष और आपके बीच में किसी एक को चुनना चाहता है? आज की दूसरी बड़ी खबर अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और यह खबर मथुरा की है। मथुरा में लोकसभा के प्रत्याशी हेमा मालिनी का नामांकन दाखिल करने के वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद थे और एक रैली का भी संबोधन उन्होंने किया। और यह पहला मौका नहीं था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या हो चुका, काशी पर काम चल रहा है और मथुरा अगला है। एक संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति का यह कहना अपने आप में बहुत मायने रखता है। और यह व्यक्ति कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साफ तौर पर उनकी मैसेजिंग बहुत क्लियर है, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का श्रेय भारतीय जनता पार्टी चाहे ना चाहे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर लाकर रख ही दिया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही, रामलला के प्रतिष्ठा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था उसे पूरा करने का अपना वायदा निभाया और आज भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय लेने के लिए जनता के बीच में मौजूद है।
योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर कभी कोई गुरेज नहीं किया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण समय से पहले कराया जाए। बनारस की बात हम लगातार देख रहे हैं, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में, वहां पर किस तरीके से मामला अदालत में है और कैसे धीरे धीरे वहां पर हिंदू पक्ष का जो पूरा विचार है, जो उनकी मांग है, वो पूरी होती दिखाई दे रही है। अब जो अंडरग्राउंड फ्लोर है वहां पर भी पूजा और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मथुरा को लेकर भी कानूनी लड़ाई एक लंबी चल रही है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट तौर से कहा कि हमने अयोध्या में रामलला का को स्थापित किया, वहां वो विराजमान है, यह हमारे लिए बहुत भाग्यशाली बात है। काशी के लिए आंदोलन जारी है और मथुरा को हम छोड़ेंगे नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने इस बात को सामने रखा था। यह बहुत पुराना नारा है भारतीय जनता पार्टी का, अयोध्या काशी मथुरा तीन हमें चाहिए। अब इसके लिए चाहे जो भी मकसद माना जा सकता है या मंसूबा माना जाए, बहुत सारे लोग इसे ध्रुवीकरण की राजनीति का आधार मान सकते हैं, लेकिन जब एक बहुत बड़ी आबादी, देश की बहुत बड़ी आबादी अपनी आस्था, अपने विश्वास को लेकर आगे चल रही है और एक राजनीतिक दल उस आस्था और उस विश्वास को अपने भरोसे से पूरा करने का आश्वासन दे रहा है, तो इसमें ध्रुवीकरण कहां और कैसे हो सकता है? तो यह बात अब सामने आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि हमने आपको बताया, अब जबकि ये बात स्पष्ट हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ ने भी मथुरा में खड़े होकर अपनी रैली की में बात कही कि अब हमें मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि को पूरे तरीके से अपने पास रखना है, हिंदुओं के पास रखना है, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या। हमने तो पहले भी कहा था ना, हम तो पहले ही कह चुके थे, हमने काशी और अयोध्या में जो कार्य कराना था उसको लाइनअप कर दिया है। सरकार का काम है लाइनअप करना और उस पे फंड उपलब्ध कराना, जनता जनार्दन के सहयोग से बाकी कार्यदायी संस्थाएं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। अब हम लोगों को पूरा फोकस करना है ब्रजभूमि पर। अब इसके बाद तो कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि काशी और अयोध्या के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो सहूलियतें हो सकती थी, जो परिस्थितियां निर्मित करनी थी, उन्हें कर दिया है, काम लगभग पूरा हो चुका है, एक जगह काम बाकी है और वह है मथुरा, और यहां अब चीजों को स्ट्रीमलाइन करना है, यहां पर सरकार के साथ साथ बाकी तमाम अन्य लोगों को भी मिलकर काम करना है। जाहिर सी बात है, मथुरा की बात, मथुरा की जमीन से जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं और हिंदू पक्ष के पूरी दलीलों को खुद समर्थन करते हुए अपना वजन उसके पीछे लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में मथुरा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मथुरा का ये मुद्दा अपने आप में विशेष बन जाता है। और इसके साथ साथ इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि योगी आदित्यनाथ का यह लक्ष्य होगा कि 2027 से पहले मथुरा का काम भी पूरा कर दिया जाए, कम से कम सरकार का अलाइनमेंट इस तरीके से पूरा कर दिया जाए ताकि मालिकाना हक हिंदू पक्ष के पास मिल जाए। यह विवाद क्या है, अब जरा इस पर एक छोटी सी नजर डाल देते हैं। वैसे तो यह विवाद कई सौ सालों पुराना है, लेकिन इसकी जड़ें दरअसल 17वीं शताब्दी में सबसे जाकर बड़ी मिलती हैं, जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा के कटरा केशव राय मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया था। बाप देखिए, इसके बाद हम आपको तमाम दिखा रहे हैं। 1944 में राजा पटनीमल ने और उनके वंशजों ने इस जमीन का सौदा किया और जिस जमीन पर श्री कृष्ण मंदिर पर जहां पर मस्जिद बनाया गया था उस जमीन को अपने पास रखने की बात कही। पंडित मन मनु मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त और भीखन लाल जी अमात्रे के नाम पर इस जमीन को रखा गया। इनके पास 13.37 एकड़ की जमीन थी और इस जमीन को रखा गया, जिसके लिए उस वक्त मशहूर कारोबारी जुगल किशोर बिरला ने 13,400 रुपए का भुगतान भी किया था। आजादी के बाद 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि
ट्रस्ट बना और ये पूरी जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान को समर्पित कर दी गई। 1953 में मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ, लेकिन ये जो जमीन थी 13.37 एकड़ की, उसमें से 2.5 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई थी। तो सिर्फ जो हिंदू पक्ष के पास जमीन थी, जो कि श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर जहां पर बनाया जा सकता था, वो 10.9 एकड़ का जमीन था। बाकी 2.5 एकड़ जमीन जो कि कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर थी, वहां पर मस्जिद की वजह से वहां पर हिंदू पक्ष का कब्जा नहीं था। जमीन के मालिक और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के संस्थापक जुगल किशोर बिरला के खराब स्वास्थ्य की वजह से मंदिर के कामकाज की जिम्मेदारी श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ को दी गई, जो कि सिर्फ कामकाज के लिए वहां पर नियुक्त किए गए थे, उनका इस पर कोई मालिकाना हक नहीं था। उसके बाद 1968 में यहां पर एक बड़ा केस आया और पूरा मामला थोड़ा सा बदला, क्योंकि 1968 में एक समझौता हुआ, जो समझौता उस समय से लेकर आज तक विवाद के घेरे में रहा है। दरअसल 1967 में हिंदू पक्ष भगवान श्री कृष्ण विराजमान की 2.5 एकड़ जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने के लिए मुकदमा दायर करता है, लेकिन मुकदमे का कोई नतीजा निकलता इससे पहले ही श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ के एक पदाधिकारी शाही ईदगाह की इंतजामिया कमेटी के साथ एक समझौता कर लेते हैं। इस समझौते में यह था कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी हुई है उस पर मुसलमानों का ही हक रहेगा और बाकी 10.9 एकड़ जमीन पर हिंदुओं का कब्जा माना जाएगा। जब हिंदू पक्ष का कहना सामने आया कि मुस्लिम पक्ष ने समझौता कर लिया है, इस पर कहीं कोई विरोध की बात निकलकर सामने नहीं आती है, लेकिन लोग इस बात को हमेशा से मानते रहे, उनकी आस्था जुड़ी रही कि जहां पर मस्जिद का निर्माण है वहीं पर श्री कृष्ण जन्म स्थान है, वहीं पर जो नीचे तहखाना बना हुआ है उसी तहखाने में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मुस्लिम पक्ष इसे लगातार नकारता रहा, ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या के मामले पर यह नकारात्मक सोच मुस्लिम पक्ष की रही। उसके बाद से यह मामला अब एक बार फिर अदालत में है और इसके बाबत लगातार वहां पर सुनवाई भी हो रही है और उसके साथ साथ ASI की जांच भी हो रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपनी जबानी स्पष्ट कर दिया कि अब मथुरा पर भी हिंदू पक्ष को मजबूती से अपनी दावेदारी रखनी चाहिए और उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप को अलाइन कर रही है ताकि हिंदू पक्ष का केस मजबूत रहे और जैसे भी हो आस्था के इस बड़े स्थान पर हिंदू पक्ष का अपना कब्जा हो सके, राजनीतिक तापमान बढ़ने लगा है। शुरुआत 24 से है लेकिन इसकी परिणति 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले हम सबों के सामने जरूर होगी। आज की तीसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चुनावी तापमान लगातार तो बढ़ ही रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के साथ ही अपनी सरकार और अपनी पार्टी दोनों के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी सामने रखी। और लुक ईस्ट पॉलिसी में सरकार के लिए क्या निर्धारित था? सरकार के लिए यह निर्धारित था कि कैसे चीन से सटी सीमा पर भारत अपने आप को मजबूत करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सके। जो 8 उत्तर पूर्वी राज्य हैं असम को मिलाकर, सभी राज्यों में भारत अपने आप को मजबूती से प्रस्तुत करे और भारतीय सैनिकों को हर तरह की सहूलियत मिले ताकि किसी भी तरह की साजिश जो चीन करे उसका हम मुंह तोड़ जवाब दे सके। यह सरकार के लिए लक्ष्य था। भारतीय जनता पार्टी के लिए लक्ष्य यह था कि कैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में 8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करे। इन 8 राज्यों में 25 लोकसभा की सीटें हैं और इन 25 लोकसभा सीटों में किन किन राज्यों में कितनी सीटें हैं सबसे पहले ही देखिए। असम में सबसे ज्यादा 14 लोकसभा की सीटें हैं, मणिपुर में 2, अरुणाचल प्रदेश में 2, मेघालय में 2, त्रिपुरा में 2, नागालैंड में 1, सिक्किम में 1 और मिजोरम में 1 सीट। केंद्र में सरकार बनाने के साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार दोनों ने उत्तर पूर्वी राज्यों पर अपना ध्यान देना शुरू किया। अब जरा हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जिस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया उसमें सबसे पहले असम की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें असम में है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा के चुनाव में यहां पर
9 सीटें जीती, 36.05% यहां पर वोट शेयर मिला। कांग्रेस का वोट शेयर काफी अच्छा था, 35.44, लेकिन कांग्रेस को सीटें मिली 3, AIUDF को 1 सीट मिली, अन्य के खाते में 1 सीट गई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 2019 में एक जबरदस्त जीत हासिल की। अभी हम बात कर रहे हैं 2024 की। 2024 में असम में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को जो पहला चरण है वहां 5 सीटों पर चुनाव होंगे, 26 अप्रैल को फिर 5 सीटों पर चुनाव होंगे और 7 मई को 4 सीटों पर मतदान होगा। हेमंत विश्वास शर्मा, जो कि एक जमाने में कांग्रेस के अच्छे कारगर दमदार नेता थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अब असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में लुक ईस्ट पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है और उन्होंने काफी मदद की है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर पूर्वी राज्यों में अपने आप को स्थापित करने में। असम में अब भगवा झंडा फहरा रहा है और इतना ही नहीं, दरअसल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता या फिर वरिष्ठ नेताओं के बच्चे अब बीजेपी में शामिल होकर असम में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। जैसे कि अभी अंगिता दत्ता, ये असम के प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रमुख अंजना दत्ता की बेटी हैं। असम के पीसीसी महासचिव मानस बोरा, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 2 बार के कांग्रेस के विधायक अकन बोरा, इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। यानी कि उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए अब असम में सबसे जबरदस्त तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि 14 में से 14 का लक्ष्य रखने वाली बीजेपी कम से कम 11 सीटों पर अपने आप को जीतते हुए देखना चाहती है। आइए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में इन दोनों सीटों पर कब्जा किया, जो कि 2014 में नहीं था। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 58.2% का वोट शेयर मिला। कांग्रेस ने एक भी सीट हासिल नहीं की। यहां पर कांग्रेस को 20.69% का वोट शेयर हासिल हुआ। 2014 के बाद से अरुणाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ बना हुआ है। 2014 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 1 सीट जीती थी, लेकिन 2019 में 2 सीटें जीती। इतना ही नहीं, अब तो विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है और अभी जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जो कि लोकसभा के चुनाव के साथ ही हो रहे हैं, इसमें 60 सदस्यीय विधानसभा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 10 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने यहां एक भी उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़ा ही नहीं किया। ये निर्विरोध चुने जाएंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाकी बचे 50 विधानसभा की सीटों में अभी तक सिर्फ 34 उम्मीदवारों को ही खड़ा किया है। अभी तक 16 ऐसे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी सामने रखी और उसके बाद नाम वापस ले लिए। अरुणाचल प्रदेश में एक तरह से माना जा रहा है कि इस बार भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम ही लहराने जा रहा है। आइए अब नजर डालते हैं मणिपुर पर। मणिपुर, जहां हमने बीते साल हिंसा का नंगा तांडव देखा, यहां पर 2 समाज के बीच में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई वो पूरे देश के लिए बहुत ही अफसोसजनक घटना रही। मैतेई समाज और उसके साथ साथ जो पहाड़ के तमाम लोग हैं उनके बीच में हमेशा एक परस्पर विरोध की स्थिति सामने निकल कर आई। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपनी पकड़ काफी मजबूत की 2019 में। मणिपुर की जो लोकसभा सीटें हैं, दोनों की दोनों सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 2014 में ये दोनों सीटें कांग्रेस के पास थी, तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ लोकसभा जीता बल्कि विधानसभा में भी मणिपुर में अब भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी अभी उम्मीदवार मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल नागा पीपल्स फ्रंट का एक दूसरा उम्मीदवार मैदान में है। और इस बार फिर ऐसा लग रहा है कि मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने के आसार काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा लेफ्ट फ्रंट का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज त्रिपुरा पूरे तरीके से भगवा रंग में रंगा हुआ दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी ने सीपीएम को 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से बेदखल किया और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का परचम लगातार त्रिपुरा में
लहरा रहा है। 2019 में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर दोनों सीटें हासिल की। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा का गठबंधन है और ऐसे में उम्मीदवार अलग अलग तय किए गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीते 10 साल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा फोकस उत्तर पूर्वी राज्यों पर रखा और मोदी सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों की तरक्की, वहां की खुशहाली, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर जो जोर दिया, उसका जबरदस्त फायदा आज भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप विकास की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में सड़क निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ है, रेल और यातायात की सुविधाएं बेहतर तरीके से की गई हैं, कई हवाई पट्टियां बनाई गई हैं ऐसी जगहों पर जहां पर की फ्लाइट उतरने की संभावना न के बराबर थी 2014 तक, आज वहां रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट्स उतर रही हैं और लोगों को आवाजाही में काफी आसानी हो रही है। पूर्वोत्तर के कई हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाई गई है, इसके साथ साथ वायुसेना को भी वहां काफी सक्रिय मदद मिली है। बीते 10 सालों में उत्तर पूर्व राज्यों में पहले जहां 9 हवाई अड्डे हुआ करते थे, अब 16 हवाई अड्डे हैं। उड़ानों की संख्या 900 से बढ़कर 1900 हो चुकी है। रेलवे का विकास लगातार हो रहा है और अब वो सुदूर जगह है जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों के थे, अब रेलवे के मानचित्र पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो 2014 के बाद से सरकार और पार्टी दोनों के समन्वय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने वहां जो जोर दिया, वो अपने आप में काफी कारगर होती हुई दिखाई दी। हम आपको इसके साथ साथ बीजेपी सरकार की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, कुछ और तथ्य सामने रखना चाहते हैं। इस लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह तय पाया कि कैसे म्यांमार के साथ साथ थाईलैंड और अन्य देशों से व्यवसाय बढ़ाया जाए, इसके साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी अपने रिश्तों को बढ़ाया जाए और व्यापार बढ़ाया जाए, और हम भूटान को नहीं भूल सकते, भूटान के लिए भी जबरदस्त मदद लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत की गई है। इसके लिए उत्तर पूर्वी राज्यों को दक्षिण पूर्वी एशिया, इन सबों से जोड़ने का एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया, सड़क मार्ग तैयार किया गया है। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग पर अब काम जोर से चल रहा है और वहां इसकी तरक्की का आप पूरा समावेश देख सकते हैं। भूटान को ये साथ जो रोड कनेक्टिविटी है उसे कहीं बेहतर किया गया है। अगरतला अखरौर रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक बहुत बड़ा लिंक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लुक ईस्ट पॉलिसी के आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बेहतर पोजीशन में है इन 25 लोकसभा सीटों पर अपने आप को काबिज करने में। आइए अब अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे कश्मीर में इस बार भारतीय जनता पार्टी शायद कुछ कमाल कर सकती है, और वो कैसे, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक वक्त हुआ करता था जब कश्मीर में पोलिंग के नाम पर डर का माहौल था। 2019 के बाद से मतदान के नाम पर डर नाम की चीज खत्म हो गई है, और वो इसलिए क्योंकि धारा 370 को मोदी सरकार ने 2019 में सरकार बनाने के बाद ही अगस्त के महीने में, अगस्त 2019 में निष्क्रिय किया, 35A को भी निष्क्रिय किया, और सुरक्षा व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू बनाने के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र को अलग किया गया, दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया इस आश्वासन और भरोसे के साथ कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त स्थानीय पार्टियां और खास करके कांग्रेस, इन सबों ने इस पूरे कदम का जबरदस्त विरोध किया। इस विरोध में जम्मू कश्मीर में जो सक्रिय पार्टियां हैं जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, इसके साथ साथ वामपंथी CPIM, इन तमाम दलों ने मिलकर एक गुपकर समूह तैयार किया था और हर मौके पर गुपकर समूह इस बात का विरोध करता था कि जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफी हुई है, धारा 370 का निष्क्रिय किए जाना जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ है, विश्वास के खिलाफ है, यह भरोसा तोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जाहिर से बात है गुपकर समूह के इस तमाम दलील का अब कोई औचित्य बचता नहीं है। लेकिन हाल ही में इन सभी पार्टियों ने तय किया था कि ये मिलकर एक इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे या फिर खुद अपना अलायंस बनाएंगे और इसमें सक्रिय भूमिका निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ेंगे। अलायंस कहां है,
यही सवाल आज जम्मू कश्मीर की जनता पूछ रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इन दोनों ने अब तय किया है कि यह मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। कश्मीर घाटी में 3 लोकसभा की सीटें हैं, जम्मू में 3 हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के 3 सीटों पर जो घाटी की है, इन 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है और उसके साथ साथ पीडीपी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। हाँ, यहां पर सिर्फ एक पेच यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में, यानी कि इंडिया अलायंस के साथ है, और ऐसे में इस में कांग्रेस का समर्थन उन्हें मिलेगा। जम्मू कश्मीर के पूरे समीकरण को अब आपको समझाते हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, जम्मू रीजन में 2 और कश्मीर रीजन में 3 सीट है। जो हिंदू बहुल जम्मू क्षेत्र है उसमें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सभी सीटों को जीतकर यह साबित कर दिया कि जम्मू क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों के मुकाबले काफी अच्छा है। लेकिन घाटी के क्षेत्र में, जो कि मुस्लिम बहुल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को यह पूरी उम्मीद है और थी कि भारतीय जनता पार्टी यहां कभी नहीं अपना दखल बना पाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का घाटी के सभी 3 सीटों पर लड़ने का ऐलान और पीडीपी का भी घाटी के सभी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को सामने रखने का ऐलान इस बात का सूचक है कि अब यहां पर या तो इन 2 पार्टियों में से किसी एक की जीत होगी या फिर कोई तीसरा यहां बाजी मार सकता है। ऐसे में जो हालात बनते दिखाई दे रहे हैं वो स्पष्ट हैं कि गठबंधन न होने की वजह से अब कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। जो गुपकर अलायंस 2019 में बना था वो छित विछित हो चुका है। इस माहौल में हमारा इकट्ठे चलना बहुत जरूरी था और यही वजह थी कि मैंने बॉम्बे में जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई तो मैंने वहाँ जब जम्मू कश्मीर की बात चली तो मैंने कहा वहाँ पर कि फारूक साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के हवाले से ये फैसला करेंगे। ये सोच के कि फारूक साहब बड़े हैं, ये जज जब कोई बनता है तो वो इंसाफ की बात करता है, तो मुझे उम्मीद थी कि वो पार्टी मफादात से ऊपर उठ के बात करेंगे। और अगर यही फैसला करना जो उन्होंने कि अगर उनको लगा, फारूक साहब को लगा, उमर साहब को लगा कि पीडीपी की आवाज़ से बेहतर आवाज़ हमारे पास लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द है, जो यहाँ की तकलीफ है, जो यहाँ की मुसीबत है, उसकी अकासी पार्लियामेंट में कर सकती, तो कुछ भी नहीं करना था। जो बात कल उमर साहब ने कही, ये बात ये आज से 2 महीने पहले कह सकते थे, मुझे फोन कर सकते थे फारूक साहब। अगर स्टेट कॉन्टेस्ट होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होगा, यहाँ पे उम्मीदवार ज्यादा हैं, इसमें भी आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुकसान नजर आता है। आप तय करिए ना हमारा नुकसान किस चीज में है, स्टेट कॉन्टेस्ट में है या मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में है, क्योंकि दोनों तो चल नहीं सकते। या तो इनके लड़ने से साउथ कश्मीर में हमें मुश्किल होगा, या तो फिर सजाद लोन का अकेला हमारे से मुकाबला करना है उससे हमें परेशानी होगी। दोनों चीज़ें साथ साथ तो चल नहीं सकती। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन में उम्मीदवार उतारना ना उतारना, ये पार्टी का अपना फैसला होता है, उन्होंने अपना फैसला ले लिया। तो जाहिर से बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में कहीं कोई सहयोग नहीं है। और ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद, जिनको परोक्ष तरीके से तो नहीं लेकिन अपरोक्ष तरीके से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला हुआ है, अनंतनाग सीट से अपनी उम्मीदवारी डिक्लेयर कर चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कदम आगे तो होगा। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि पहलगाम या ऐसे ही किसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना एक दमदार उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। और अगर इन 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल या भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल गई तो सोचिए इसका असर हिंदुस्तान में तो होगा ही, पाकिस्तान में क्या होगा और उसके साथ साथ पूरी दुनिया इसे किस नज़रिए से देखेगी। आइए अब अगली स्टोरी पर रुख करते हैं, क्योंकि ये स्टोरी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। आज जबकि हम चुनावों के इस पूरे दौर में हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व में हैं, इस महापर्व में चिताया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीप फेक की बातें कही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही। चुनाव आयोग ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक और सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार की बातें हम सबके सामने रखी हैं। लेकिन यह अपने आप में कितना सच है यह आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं साहब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर या एक्स
यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके जरिए आप तक तमाम तरह की खबरें पहुंचती हैं। बहुत सारे लोग अपनी बातें कहते हैं, मन की कही अनकही, राजनीतिक या फिर आपके उत्थान की। जो बातें कही जाती हैं, क्या वो बिना लाग लपेट के होती हैं? क्या वो पूरे तरीके से निष्पक्ष है? क्या सिर्फ एक व्यक्ति की राय है या दरअसल उस राय के पीछे पैसा है साहब? यह सोचना आपके लिए बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जैसा आप हम आपके सामने प्रस्तुत करें, सबसे पहले आपको यह बताते हैं, क्या आप जानते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो टीवी या अखबार पर जिस तरीके से कैंपेनिंग होती है पार्टियों के द्वारा, उसका पूरा ब्यौरा होता है और यह दिया जाता है। चुनाव आयोग का आंकड़ा अभी आपके सामने रखें, 2019 के लोकसभा के चुनाव में आप इस बात को जानकर हैरत होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा पैसे खर्च किए थे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। 300 कुछ करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किए और उससे तकरीबन 3-4 करोड़ ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने खर्च किए थे। लेकिन क्या इस बात की जानकारी, ये देखिए हमने आपके सामने रखा आंकड़ा, 325 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किए थे 2000 अभी तक जो चुनाव का खर्च जो सामने आ रहा है, जो सोशल मीडिया का खर्च है 2024 का, ये भारतीय जनता पार्टी का है 325 करोड़, कांग्रेस 356 करोड़ खर्च कर रही है। ये जो खर्च है इसका ब्यौरा चुनाव आयोग के पास नहीं है। ये कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, इसकी जानकारी सार्वजनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब इसमें सोचने वाली बात आपके लिए क्या है? क्या आप भ्रमात्मक चीजों को देख रहे हैं? क्या आप निष्पक्ष चीजों को देख रहे हैं? कौन क्या कह रहा है इसके बारे में आप कैसे यह जान सकते हैं? यह बात हम इसलिए आपके सामने रखते हैं क्योंकि एक दौर था जब रेडियो और अखबार थे, मास कम्युनिकेशन का साधन यहीं तक था। उसके बाद टीवी का प्रचलन आया 90 के दशक से, और फिर अब टीवी से होते हुए हम सोशल मीडिया पर जा चुके हैं, तमाम ये साइट्स आपके सामने हैं। 2024 में डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल सबसे बड़े पैमाने पर होने जा रहा है, और इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है यह अब आपके सामने हम रखते हैं। आपने इस बात पर ध्यान दिया कि सोशल मीडिया साइट्स पर, एक्स पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर आपको जो तस्वीरें, आपको जो मैसेजेस भेजे जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है आपको? प्रत्याशी किस तरीके से अपने आप को सामने रख रहे हैं, नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं तो वो फेसबुक पर लाइव है, अगर वो लोगों से बात कर रहे हैं तो फेसबुक पर लाइव है, ट्विटर पर लाइव है, यूट्यूब पर लाइव है। यानी कि राजनेता जो कुछ कर रहे हैं उसकी मिनट मिनट की खबर आपको मिल रही है, उस खबर के साथ सीडेड मैसेज भी आपको मिल रहा है जहां राजनेता अपना प्रचार कर रहे हैं। यह तो ऑफिशियल सेटअप हो गया। अब जरा अनऑफिशियल सेटअप की बात करते हैं। यह अनऑफिशियल सेटअप क्या है? यह अनऑफिशियल सेटअप है वो जो टीकाकार हैं, कई ऐसे पत्रकार जो अब अपने आप को टीवी, अखबार और रेडियो से अपने आप को अलग डिजिटल माध्यम पर अपने आप को सामने रखने की कोशिश करते हैं। कई टीकाकार हैं, कई पूर्व राजनीतिज्ञ हैं जो अब टीकाकार के तौर पर सामने हैं और वो अपनी बातों को सामने रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि अपनी बातों को सामने रखने के लिए, इस तरह से ट्वीट करने के लिए, किसी के बारे में कुछ लिखने के लिए लोगों को पैसे मिलते हैं? जी हाँ, 15,000, 20,000, यहां तक कि 50,000 रुपए पर ट्वीट लोगों को मिलते हैं, और ऐसे लोगों को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है। ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से तमाम राजनेता अपने इंटरव्यूज करवाते हैं, उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं ये कहते हुए कि ये मैं कह रहा हूं। उनके फॉलोअर्स बड़ी संख्या में उन पर भरोसा करते हैं, और इस भरोसे के इस्तेमाल के लिए इन इन्फ्लुएंसर्स को पैसे मिलते हैं। तो जरा अब यह सवाल उठता है कि अगर पैसे लेकर किसी एक उम्मीदवार, किसी एक पक्ष, किसी एक आइडियोलॉजी, किसी एक विचारधारा को कोई आदमी प्रोत्साहित कर रहा है, प्रायोजित कर रहा है, तो उसे आप कितना निष्पक्ष मानते हैं? इस बात पर गौर कीजिएगा। और यह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अपनी विचार, अपनी राय इन लोगों के कहने पर बनाते हैं, और जब ये लोग अपनी बातों को पैसे लेकर कर रहे हैं तो क्या ये निष्पक्ष हैं? इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि हम बिल्कुल पैसे नहीं लेते। बिल्कुल सही बात है साहब, नहीं लेते। लेकिन जब आप एज अ व्यूअर उनको देखते हैं तो जिस प्लेटफॉर्म पर ये आपसे जुड़ते हैं वो प्लेटफॉर्म इनको पैसे देता है। जितने व्यूज
आप देते हैं इन लोगों को, उतनी ज्यादा रकम इन्हें प्राप्त होती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी, उसके साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय कंटेंट प्रोवाइडर को भी, चाहे वो एक कंपनी हो या फिर इंडिविजुअल। लोग देखते हैं और देखने से इनको पैसे मिलते हैं, यानी कि आप किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे मुहैया करा रहे हैं, या तो ये पैसे लेकर काम कर रहे हैं या आप इन्हें देख रहे हैं, इसकी वजह से इन्हें पैसे मिल रहे हैं। तो ये कुछ भी फ्री नहीं है और कुछ भी निष्पक्ष नहीं है जैसा हम विश्वास करना चाहते हैं। ये लोगों की राय है और राय हमेशा एक इंडिविजुअल की होती है, एक पक्षीय होती है, वो कभी निष्पक्ष नहीं हो सकती है। इसलिए इस बाबत हम आपके सामने ये चेतावनी भी रखना चाहते हैं और ये भी कहना चाहते हैं, जो कुछ आपके सामने परोसा जाए, कृपा कर उस पर भरोसा मत कीजिए। पढ़िए, सोचिए, समझिए, उसके बाद एक्ट कीजिए। यह आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे वो आप एड देखते हैं ना, इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर इज द बेस्ट कंज्यूमर, सो यू आर अ कंज्यूमर सर, आप कंज्यूमर हैं, अपने अधिकार जानिए, जानिए कि लोग आपके सामने क्या परोस रहे हैं।